आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अपने आवास पर पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही आरएसएस पर बोले, यह संगठन बात हिंदुत्व की करता है लेकिन कभी कथित विचारधारा पर संघ ने काम नहीं किया। आरएसएस की मेन ड्यूटी जो मैं मानता हूँ, अगर कोई ईमानदारी की बात वो करते हैं, मैं मोहन भागवत साहब से कहना चाहूंगा कि आरएसएस जब से बना है तब से वो कहते हैं सांस्कृतिक संगठन का मतलब इस हिंदुस्तान की जो परंपरा है, महान संस्कृति है, संस्कार है, उनकी रक्षा करना है। आरएसएस कहते हैं हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। क्या वो एससी का आदमी हिंदू नहीं है? एसटी का आदमी हिंदू नहीं है? दंगे होते हैं तब तो एससी के लोग एसटी के लोग उनको आगे कर देते हैं। मरते कौन है? वो लोग मर रहे हैं। छुआछूत किसी छुआछूत का होती है? उनके साथ होती है। शादी में घोड़ी में जा रहा है तो कौन उतारता है? उनके साथ अन्याय हो रहा है। अत्याचार उत्पीड़न उनके साथ होता है। कभी कोशिश की आरएसएस ने? हम सब काम छोड़ करके सत्ता मार लिए, कोई मकसद नहीं रखती है। कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, हमारा संगठन घर घर जाके गाँव गाँव जा कर के ये फैलाएगा हम सब हिंदू की जो हमारी संस्कार है उसकी आप उसके लिए आगे आओ और जो कमियां पहले थी उसको दूर करो और कोई छुआछूत नहीं होनी चाहिए। एक भी एजेंडा को पकड़ लेते तो आज मानवता पे कलंक लगा हुआ है कि आप मानव मानव के साथ भेद कर रहे हो, वो खत्म हो जाए। इस दौरान उन्होंने यहां तक कहा कि राजस्थान में वसुंधरा सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, इसकी कोई भी योजना धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रही? सब दिखावा है। आज किसान, व्यापारी और युवा वर्ग सब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। देश उन्हें माफ नहीं करेगा। आप समझ सकते हो ये क्या कर रहे हैं? बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, इनकी एक भी वसुंधरा जी की और मोदी जी की स्कीमें हैं। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी पर एक भी योजना इनकी धरातल पर क्यों नहीं आ रही है? मैं पूछना चाहता हूँ, धरातल पर क्यों नहीं आ रही है? आज लोगों में आग्रह क्यों पैदा हुआ? अच्छे दिन आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं।